वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब लेसन 10 यानी कि जिस चैप्टर का नाम है ब्रीथ यानी सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सर्कल क्या होता है और सर्कल में क्या क्या क्वालिटी होता है। ठीक है, इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट इससे मैच करेगा आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ध्यान से समझिएगा, एक कहानी के जरिए ब्रीथ की कहानी आपको समझाते हैं। ये रहा आपका ब्रीथ, पूरा गोल हो गया, इसको क्या बोलेंगे ब्रीथ। रोटी देखे होंगे, ब्रेड, वो भी क्या होता है ब्रीथ के आकार का होता है। देखिए ब्रीथ में होता क्या है, कुछ लाइनें होती है, जैसे कि लाइन का नाम है टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। स्पर्श इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पर्श माने कि सट के निकल जाए, उसे कहते हैं स्पर्श। मान लीजिए कि आप यहां कुछ भी है और ऐसे सट करके हल्का सा इसमें स्पर्श होकर इधर आगे निकल जाए, तो ये लाइन जो सट करके निकल गया है इसी लाइन को कहते हैं स्पर्श लाइन यानी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहां देखिए तो एक लाइन ऐसे ब्रीथ है और ब्रीथ से हल्का सा एक पॉइंट पर एक ही जगह सटता है, याद रखिएगा, एक जगह ऐसे सट करके और आगे निकल गया है तो इस लाइन को हम लोग स्पर्श लाइन कहते हैं यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये सटा है, यहाँ देखिए मात्र एक ही जगह एक बिंदु पर सट के निकल गया है। आपको भले ही ऐसे अगर सर्कल है एक जगह दिख रहा होगा तो लग रहा हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही बिंदु पर सटा है। तो एक ही बिंदु पर सटा है तो उसे इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु, यानी जहाँ लाइन जिस बिंदु पर सटता है स्पर्श करता है तो एक बिंदु है तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि स्पर्श एक वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो बताइए कि कितनी स्पर्श बिंदु होती है, तो मात्र एक जगह सटता है। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है और एक पूछता ही पूछता है, और आपके एग्जाम में आप जा करके क्वेश्चन बैंक खोल करके देखिए प्रीवियस ईयर का, उसमें लिखा है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन ये कर लें कि यहां मात्र एक बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे गुजरता है, एक स्पर्श रेखा एक बिंदु से होता है। तो ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु, इस लाइन को कहते हैं स्पर्श रेखा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेखा स्पर्श किया है। ठीक है, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे देखिए तो इस नाम से प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसा रेखा जो छेद के बाहर निकल जाए, छेद ना समझते नहीं कि बाहर, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए तो इस वृत्त को क्या किया है, यहां से आर पार कर दिया, क्या कर दिया, छेद करके बाहर निकल गया, तो ऐसी रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब बताइए कि कितने बिंदु को आर पार किया है, तो यहां से गया होगा, यहां से एक यहां पे इसमें होल किया है और फिर यहां से निकलने के लिए बाहर गया, तो दो बिंदु पर यहां पर क्या कर दिया है, होल कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा ये वाला है। ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखा में प्रतिच्छेदी बिंदु कौन कौन है, तो जिस बिंदु पर आर पार किया है इसे बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि जब एक लाइन एक वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदु से होकर गुजरती है, वृत्त के कितने बिंदु से होकर गुजरती है, तो दो बिंदु से होकर गुजरती है, कितने बिंदु से होकर गुजरती है, दो बिंदु से गुजरती है। तो आप ये भी समझ गए और प्रतिच्छेदी रेखा ये आपका हो गया। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज याद रखिएगा, ये आप समझ गए होंगे, यहां देखिए वृत्त एक और लाइन के बारे में जानिए, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं व्यास, क्या नाम देते हैं, व्यास, डायमीटर बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, डायमीटर, यानी कि जो वृत्त को आधा आधा काट दे, वह लाइन जो वृत्त को क्या कर दे, आधा आधा काट दे, ऐसे लाइन को डायमीटर कहते हैं यानी व्यास कहते हैं। आप व्यास एक गाना गाने वाले भी होते हैं तो देखना, दो व्यास को अगर बैठा दिया जाए तो अगर ये बात बोल रहा तो इस बात को ये काटेगा, ऐसे एक दूसरे में कंपटीशन हो जाता है, तो यहां भी कंपटीशन हो जाता है, एकदम बराबर ही होना चाहिए, ऐसा लाइन जो वृत्त को एकदम बीचों बीचों काट करके और अलग कर दे, क्या कर दे, अलग कर दे, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, और यहां देखिए ये तो सेंटर था ना वृत्त का, ये बीच वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, बीच वाला, आधा लाइन उधर यानी कि पूरा लाइन होगा तो व्यास होगा, लेकिन अगर बीच से मान लीजिए कि बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री, एक तरह से मान लीजिए चारों तरफ से बाउंड्री है, तो बीच से और यहां तक
इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी परिधि बोलते हैं, ठीक है। साइड वाले बाउंड्री, अपने भाषा में बाउंड्री समझ लीजिए, ठीक है। और ये किताबी भाषा में, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको परिधि बोलते हैं। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं परिधि। तो बीच से अगर परिधि तक, यहाँ तक अगर लाइन जा रहा है तो इस लाइन को त्रिज्या कहते हैं। तो बताइए, यहाँ से ये भी तो गया है तो इसको भी क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। यानी ये पूरा व्यास था और इसको आधा आधा तोड़ दिए तो क्या हो गई? इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या। यानी कि एक ठो व्यास में दो गो त्रिज्या हो सकता है, टू आर। यानी एक डी में, एक गो डायमीटर है ना, उसमें कौ गो आर हो सकता है? दो गो त्रिज्या, यानी दो गो आर। इसे आर द्वारा डिनोट करते हैं। तो यही आपके एग्जाम में पूछेगा। एक और क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर का है। ये समझ गए? स्पर्श रेखा, ऐसा रेखा जो सट के स्पर्श होकर उधर चला जाए, तो ऐसे रेखा को स्पर्श रेखा। आज जहां सटेगा तो एक ही गो बिंदु पर यहां सटेगा, वृत्त के एक बिंदु पर, तो इसे स्पर्श बिंदु। और प्रतिच्छेदी रेखा जो छेद करके बाहर निकल जाए, तो इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा। और दो बिंदु को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें कितने प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं? दो होते हैं। व्यास समझ गए, जो वृत्त को आधा आधा काट दे और आधा को आधा कर दे तो वो त्रिज्या कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब अगला क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए। ये पूरा वृत्त का परिचय है, यानी क्या होता है। एक और सर्कल यहाँ हम बनाते हैं, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वृत्त में कितने समानांतर रेखाएं हो सकती है। समानांतर समझते हैं, जैसे ये लिखा जाता है समांतर, तो इसका मतलब होता है कि दो गो ऐसे लाइन हो गया, अब बीच का अंतर समान हो, माने कि चौड़ाई, अगर मान लो कि यहाँ चौड़ाई 2 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है? 2 मीटर। तो यहाँ भी 2 मीटर, यानी ये और ये बराबर दूरी पर हो। ट्रेन का पटरी देखें, वो समानांतर होता है। आप कभी ट्रेन का पटरी ऐसे नहीं देखे होंगे, ऐसे एक सीधा हो और एक, तो देखिए यहाँ चौड़ा है, यहाँ पतला है, ऐसा नहीं होता है। समानांतर होता है, एकदम चौड़ा होगा तो बराबर चौड़ा होगा, ठीक है। तो इसी लाइन को क्या कहते हैं? समानांतर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त से कितने समानांतर रेखाएं जा सकती हैं। तो इधर देखिए, एक इधर मान लीजिए कि गया, यहां से सट के स्पर्श रेखा, एक इधर गया, ये लाइन आपस में क्या है? एकदम बराबर है, ट्रेन का पटरी जैसा, एक लाइन। एक इधर से जा सकता है, इसमें सट के ही जाएगा स्पर्श होकर के, और एक इधर से जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो मात्र दो समानांतर रेखाएं एक वृत्त से जा सकती हैं, एक इधर से और एक इधर से, दो हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो 10.1 तो बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले 10.1 का एक प्रमेय यानी थ्योरम हम लोग देख लें। बहुत ही ईजी होता है, थ्योरम पढ़ने से बहुत ही फायदा होता है। इसमें खुद बताया जाएगा कि थ्योरम समझ लीजिए क्या कहता है। जैसे कहेगा कि यहां से एक स्पर्श लाइन गुजर रहा है, तो जहां स्पर्श गुजरेगा तो एकदम बीच से है, त्रिज्या होता है ना, ऐसे त्रिज्या होता है बीच से, और ये परिधि तक जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, आपको अभी बताए थे। तो ये मान लीजिए कि जा रहा है यहां पर, यहां से ये स्पर्श हुआ है तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से स्पर्श हुआ, एकदम यहां से सीधा अगर लंब आ रहा है तो यहां 90 डिग्री का कोण। यही साबित करना है कि अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करके जा रही है तो त्रिज्या द्वारा आएगा तो क्या होगा? लंब पड़ेगा। लंब माने एकदम सीधा आएगा, ठीक है, यही साबित करना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस वीडियो का अच्छा से अच्छा फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।